जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम तल्हा उबैद है और मैं यहाँ पर फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। फिज़िक्स में FSC और BS के अंदर जो टॉपिक्स हैं फिज़िक्स के, उनको हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कंसेप्चुअली हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। आज हम FSC के एक टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यानी FSC चैप्टर 12 का एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें जो एप्लीकेशन हम पढ़ने लगे हैं ये है कि फोटो कापियर, और फोटो कापियर जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। अब इसमें है क्या, बेसिकली जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज जीरोग्राफी या फोटो कापियर। अब जीरोग्राफी क्या है, ये ग्रीक वर्ड का एक कॉम्बिनेशन है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जेरस और ग्रेफिस। जेरस का मतलब है ड्राई और ग्रेफिस का मतलब है राइटिंग। तो चले हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, और हमारा मेन टॉपिक जो है इसकी बेसिकली एक मशीन है और जिसकी कंस्ट्रक्शन हम पहले देखेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि इससे कौन कौन से पार्ट्स हैं, और वर्किंग का क्या मतलब है कि वो काम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके सामने ये सबसे ऊपर है एक पेज, इसका हम जिसकी हमने कॉपी देनी है। फर्ज करें इस पेज पर, एक सेकंड जरा फर्ज करें जी, ओके जी, फर्ज करें ये जी हमारे पास पेज, ये पेज है जिसकी हमने कॉपी लेनी है। और फर्स्ट करें पेज के ऊपर लिखा हुआ है कोई लेटर, हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट सपोज इट इज ए, ये हमने पेज के ऊपर फर्स्ट करें लिखा हुआ है, इसकी हमने कॉपी लेनी है। यहाँ आपको नजर आ रही है एक लैंप, और ये है एक लेंस, ये है एक लेंस, और ये एक ड्रम है। ये ड्रम बेसिकली एलुमिनियम का बना हुआ है। इस एलुमिनियम के ड्रम के ऊपर एक सिलीनियम की तह चढ़ी हुई है। सिलीनियम क्या चीज़ है ये भी हम देखते हैं। इसके बाद एक रेक्टेंगुलर आपको कंटेनर सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर बेसिकली इंक है जिसको हमने प्रिंट करना है पेज के ऊपर, टोनर कार्ट्रिज बोलते हैं इसे। और नीचे से यहाँ से एक ब्लैंक पेज, खाली पेज, नया पेज आ रहा है, इसके ऊपर हमने प्रिंट लिया। और ये हीटिंग रोलर है जो आपको नज़र आ रहे हैं, जिनके अंदर से ये पेज गुजरेगा और फिर प्रिंटेड पेज आपको बाहर यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है आपके पास आपका एक ओवरव्यू, इस टॉपिक का ओवरव्यू। अब हम चलते हैं वर्किंग की तरफ, कि ये सारे जो पार्ट्स हैं ये काम किस तरह करेंगे, ये पार्ट्स किस तरह काम करेंगे। एक सेकंड जरा, ओके जी, अब हम आते हैं इनकी वर्किंग की तरफ दोबारा से। सबसे पहले ये पेज जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, मैंने फर्ज किया था कि इसके ऊपर हमने ए लिखा हुआ है, फर्ज करें ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, मैं रेड का लिख रहा हूँ ताकि प्रोमिनेंट नजर आए। ये है जी लैम्प, लैम्प जो है पेज के नीचे से गुजरना शुरू कर देगी। अब ये लैम्प जो है ये लाइट फेंक रही है, और वो लाइट जो है इस पेज के साथ टकरा के वापस आ रही है और लेंस के अंदर से गुजर के ड्रम के ऊपर पड़ रही है। जब हमने मशीन को ऑन किया था तो ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो ड्रम के ऊपर सिलीनियम की तह चढ़ी हुई है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस वक्त मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ओके, पॉजिटिव चार्ज इसमें मौजूद है। अब होगा क्या, पेज के ऊपर से हर हिस्से से लाइट टकरा के वापस आएगी, और नीचे से ड्रम साथ साथ घूमता जाता है और पेज के हर हिस्से का रिफ्लेक्शन अपने पर फॉल करवाता है। साथ में जो दरमियान में ये लेंस क्या करता है, लाइट को फोकस करके ड्रम के ऊपर फेंकता है ताकि इमेज ठीक से बने और लाइट प्रॉपर उसके ऊपर पड़े, है ना।
पेज के जिस हिस्से पे कुछ प्रिंट मौजूद है या कोई टेक्स्ट मौजूद है या कुछ लिखा हुआ है, वहाँ से तो लाइट वापस नहीं आएगी, लेकिन बाकी पेज के हर हिस्से से लाइट वापस आएगी और ड्रम के ऊपर पड़ेगी। एक बात याद रखें, ये जो सिलीनियम है जो ड्रम के ऊपर हमने कोट किया हुआ है, जिसे जिसका पेंट किया हुआ है, सिलीनियम बेसिकली फोटो कंडक्टर है। और फोटो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो लाइट की प्रेजेंस में कंडक्टर होता है और लाइट की एब्सेंस में ये इंसुलेटर का काम करता है। यानी जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने अंदर से पास करने देगा, और जब इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी यानी जब ये डार्कनेस में होगा तो ये लाइट ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो नहीं करते। अच्छा, लाइट हर हिस्से पे पड़ेगी सिवाय उस हिस्से के जहाँ कुछ लिखा होगा, यानी पेज का वो वाला हिस्सा जहाँ कोई टेक्स्ट मौजूद था उससे लाइट वापस नहीं आएगी, बाकी हर हिस्से से लाइट वापस आएगी। इसका मतलब है उस टेक्स्ट का रेप्लिका यानी उसकी कॉपी इस क्या बोलते हैं ये ड्रम के ऊपर डार्कनेस की फॉर्म में या अंधेरे की फॉर्म में आपको मिल जाएगी, बाकी हर हिस्सा रोशन होगा, ब्राइट होगा। और ड्रम का वो वाला हिस्सा जो पेज के टेक्स्ट की कॉपी है वो डार्क होगा। अब आप जानते हैं कि सिलीनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने रखा हुआ था, अब ये पॉजिटिव चार्ज सिलीनियम का वो वाला हिस्सा जो ब्राइट हुआ था वो कंडक्टर का काम करना शुरू कर देगा, और वहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन पर नेगेटिव चार्ज है, ये जो ऊपर सिलीनियम के उस हिस्से पर जो ब्राइट हुआ था और जिसने कंडक्टर का काम करना शुरू कर दिया था, वहाँ के पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ न्यूट्रलाइज करते हैं। पॉजिटिव चार्ज का असल में मतलब क्या होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो अंदर से एल्यूमिनियम के ड्रम से इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे और वो डेफिशिएंसी को पूरा कर देंगे। लेकिन ड्रम का जो हिस्सा डार्क रह गया था, वहाँ पर जो सिलीनियम है वो इंसुलेटर का काम करेगी, और जाहिर बात है अगर सिलीनियम इंसुलेटर का काम करेगी तो वहाँ पर जो चार्ज है वो एज इट इज मौजूद रहेगा, क्योंकि वहाँ चार्ज फ्लो नहीं कर सकेगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किस शक्ल में मौजूद रहेगा, एक ही शक्ल में, क्योंकि ऊपर वाले पेज के ऊपर अब ये ड्रम साथ साथ रोल करता जा रहा है, और ये रोल करते करते टोनर कार्ट्रिज के सामने से रुक जा। अब ये जो टोनर कार्ट्रिज है इसको ये बात ध्यान में रखें कि हमने नेगेटिव चार्ज दिया है। अब देखिए ड्रम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा मौजूद है एक ही फॉर्म में, वो जब इस टोनर कार्ट्रिज के सामने से गुजरेगा तो वो इस नेगेटिवली चार्ज टोनर को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, और ये टोनर ड्रम के ऊपर जाके चिपक जाएगा। जब ये ड्रम रोल करता जा रहा है साथ ही नीचे से नया पेज भी आ गया, वो नया पेज जब ड्रम के साथ साथ रोल करते हुए ड्रम के साथ साथ गुजरेगा तो ड्रम का जो इमेज है एक की फॉर्म में वो पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये पेज इवेंचुअली ये गुजरेगा हीटेड रोलर्स के अंदर से। ये जब हीटेड रोलर्स के अंदर से गुजरेगा तो हीट की वजह से इसके इसकी जो इंक है वो मेल्ट होगी और वो पेज के पोर्स के अंदर जाके परमानेंट तौर पे चिपक जाएगी, और परमानेंट इमेज आपको यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ एक बात आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ, मैं छोटा था तो मैं फोटो कॉपी करने वाली बंदे को देखता था कि कई दफ़ा उसके मशीन में कोई एरर आता है तो वो अपनी मशीन को ओपन करता है और अंदर से पेज निकालता है, और पेज थोड़ी बहुत सलमटे होती थी उसे सीधा करके वो कपड़े से इमेज मिटा देता। तो मैं कहता था यार ये पता नहीं कोई खास किस्म का कपड़ा है जैसे वो इमेज मिटा देता है, मेरे से तो नहीं मिटता। लेकिन अब आगे पता चला जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से ये चीज़ें समझ आई कि असल में ये वो पेज को कहाँ से निकालता होगा, यहाँ से इधर से हीटेड रोलर्स के अंदर से गुजरने से पहले जब परमानेंट इमेज नहीं हुआ, क्योंकि हीटेड रोलर के अंदर से गुजरने के बाद इमेज जो है वो परमानेंट होता है। तो ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर इस टॉपिक में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछें, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझने वाली है तो आप ज़रूर पूछें, और मज़ीद टॉपिक इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।